जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम सूरसागर में मौजूद हैं, जहाँ पे कल बेहद ही तनावपूर्ण माहौल हो गया था, पत्थरबाजी भी हुई थी। ये देखिए, यहाँ बहुत ही सुरक्षा के चाक चौबंद हैं, पुलिस का बहुत ही बड़ा जाब्ता यहाँ मौजूद है। हर एक यात्री से आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जा रहा है, हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही इनको सूरसागर के अंदर प्रवेश देने की अनुमति पुलिस दे रही है। ये देखिए, स्थिति कल बेहद ही तनावपूर्ण हो गई थी यहाँ पे, उसी के मद्देनजर इतनी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात की गई है पुलिस की। और ये देखिए, ये वही घटना स्थल है जहाँ कल पत्थरबाजी हुई थी, दो गुटों के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी। यहाँ पे देखिए, ये पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद है, यहाँ पुलिस इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, और ये पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे SHO वगैरह यहाँ बैठे हुए हैं। और ये देखिए, ये STF की गाड़ी भी यहाँ मौजूद है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कल यहाँ स्थिति कितनी तनावपूर्ण रही होगी। ये देखिए, स्पेशल टास्क फोर्स भी यहाँ मौजूद है, STF की गाड़ी। और ये वही घर है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्थिति थी वो तनाव और गंभीर पूर्ण हो चुकी थी, और बड़ी तादाद में पुलिस का जमावड़ा वहाँ पे मौजूद है जो घर वालों से बातचीत कर रहा है। ये देखिए, ये वज्र की गाड़ी है, ये भी यहाँ मौजूद है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थितियाँ कितनी ज़्यादा भयावह रही होगी कल। जैसा कि अभी इलेक्शंस का भी माहौल है, जोधपुर में कुछ ही दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके चलते इस तरह की सांप्रदायिक घटना यहाँ पे घटित होना अपने आप में एक चिंता का विषय है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये घर के बाहर जो पुलिस के अधिकारी और सभी टीमें यहाँ मौजूद हैं, जो घर वालों से कुछ पूछताछ कर रही है, आप देख सकते हैं। उनमें SHO भी, सूरसागर SHO भी शामिल है। हालांकि पुलिस ने जिस तरह से सुरक्षा का जो बंदोबस्त है वो जो कर रखा है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, ये वज्र की गाड़ी आप देखिए, स्थिति कितनी गंभीर रही होगी कि पुलिस को यहाँ पे STF की वज्र की गाड़ी तक यहाँ पे तैनात करनी पड़ी। लेकिन जोधपुर कमिश्नरेट ने जिस तरह से जिस तनावपूर्ण स्थिति को संभाला है सुरक्षा के लिहाज से, वाकई बहुत काबिले तारीफ है कि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो माहौल है उसको अंडर कंट्रोल कर रखा है। इसी वजह से शायद नॉर्मल कंडीशंस को करने की कोशिश की गई है, आवाजाही लोगों की शुरू कर दी गई है। ये एक और STF की गाड़ी यहाँ मौजूद है, और ये देखिए, ये पीछे पूरा मार्केट आप देख सकते हैं कि मार्केट भी दोबारा से खुल चुका है, कुछ एक आध दुकान है जो बंद पड़ी हुई हैं। ये STF की टीम और ये अन्य जो पुलिस अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पे। सुरक्षा के लिहाज से लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी, जैसा कि आचार संहिता ऑलरेडी लागू हो चुकी है, और उस वक्त इस तरह की घटना होना अपने आप में एक संदेहास्पद और बहुत ही गंभीर विषय बन जाता है। लेकिन जो पुलिस ने जिस तरीके से इस स्थिति को कंट्रोल किया है, संभाला है उसको, वो वाकई अपने आप में काबिले तारीफ है कि कल शाम की ही ये घटना है और आज शाम हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको घटनास्थल से ये चीज़ जो आपको पूरा माहौल हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ का बिल्कुल शांतिपूर्ण है, अंडर कंट्रोल्ड है पुलिस के, लोगों की आवाजाही, ये देखिए बच्चे भी यहाँ पे फिर से घूमना शुरू हो गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने कितनी अच्छी तरीके से
सारी चीजों को सुरक्षा की संभाल रखा है। ये सभी अधिकारी यहाँ पे, ये देखिए ये सूरसागर SHO भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये अन्य STF की टीम यहाँ पे मौजूद। ये पुलिस के अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद। तो इससे आप देखिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अधिकारी खुद यहाँ पे आज सुबह से ही यहाँ पे मौजूद रह के, आज सुबह से ही वो यहीं पर बैठे हुए हैं, हर एक चीज पे खुद नजर रखे हुए हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.